अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एसल महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। ये हमारी न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट कोर्स की थर्ड वीडियो है। अभी तक हम दो वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कोर्स का इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड वीडियो में हमने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को सेटअप किया था। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली वापस अपनी यूआई सेक्शन पे वापस जाएंगे और जो हमारी ऐप की फ्रंट एंड यूआई है उसको कंप्लीट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट के इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रूर शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगा दें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, जैसे भी हो सके, ताकि जो लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रिएक्ट जेएस या लारावेल डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं वो इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बैकएंड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप अपने सर्च इंजन में आ जाएं और लारावेल लिख के सर्च करें, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली ये लारावेल एपीआई नहीं, लारावेल। ओके, फर्स्ट वेबसाइट होगी लारावेल.com। होपफुली अगर सेकंड थर्ड पे आ जाए तो कोई मसला नहीं, उसको ओपन कर लें फिर भी और गेटिंग स्टार्टेड में आ जाए। यहाँ पर अब लारावेल आपके पास आ गया। लास्ट वीडियो में मैं एक चीज बताना भूल गया था, जो कि रिएक्ट जेएस की वीडियो थी, कि उसमें आपको बेसिकली नोड जेएस, एनपीएम, ये बेसिक चीजें, क्योंकि ये जरा थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें मैं बहुत ज्यादा बेसिक चीजों पे डिटेल में फोकस नहीं कर रहा। लेकिन वंस अगेन, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, कि अगर आप एक बिगनर लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके रिस्पेक्टिव वीडियो जो होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली उसको ज़ायोंस के यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो अगर हम इसको मेंशन करें, सॉरी यहाँ पर यूट्यूब npm Node.js, इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, ये हमने सारा पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे नोड लिख के सर्च करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये सारा काम हम पहले कर चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इस कोर्स में स्पीड से जा रहा हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कवर करना है। तो अगर मैं बेसिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत उसको जानते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, जो नहीं जानते उनके लिए पहले ही मटीरियल प्रोवाइड किया गया। वापस आ जाते हैं। अब इस वीडियो के लिए जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपके पास कंपोजर होना चाहिए। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपके पास जैम्प या वैम्प होना चाहिए। अगर आप मैक ओएस पे हैं तो आपका पीएचपी, MySQL, ETC सेटअप होना चाहिए। मैं क्योंकि मैक ओएस पे हूँ और मेरा बेसिकली लारावेल वायलेट भी सेटअप है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को सिंपल ही रखूंगा। बेसिकली लारावेल वॉलेट की डोमेन नहीं सेटअप करूंगा, क्योंकि वो विंडोज़ यूज़र सेटअप नहीं कर पाएंगे, विंडोज़ पे लारावेल वॉलेट नहीं चलता, तो उनके लिए मसला होगा। तो इसलिए मैं लोकल होस्ट पे ही रहूँगा और HTTP पे ही रहूँगा, ताकि अगर कोई मसला HTTP लोकल होस्ट पे आए तो वो मुझे भी फेस हो और मैं उसका फिर सोल्यूशन भी बताऊँ। अदरवाइज़ मैं उसको वॉलेट पर जाके सिक्योर कर सकता हूँ और काफ़ी मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए आसानी करने के लिए मैं इसको सिंपलेस्ट प्रोसेस से लेके चलूंगा। यहाँ पे अब कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद आप इस कमांड को अपने टर्मिनल में रन करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पर बेसिकली इस पे इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आप ये कमांड रन करेंगे। ये कमांड बेसिकली इस चीज को कंफर्म करेंगे कि अगर आपके पास लारावेल इंस्टॉलर पहले भी इंस्टॉल हो तो फिर भी इस कमांड को रन करने से आपको कोई हार्म नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसके वर्जन को अपडेट कर देगा। और मैं पर्सनली इस चीज को पसंद करता हूँ कि कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाने से पहले, क्योंकि महीने डेढ़ महीने बाद या एटलीस्ट एक दो हफ्ते बाद बना रहे होते हैं, तो इस कमांड को एक दफा रन कर लें, ताकि अगर कोई मिनियन या पैच अपडेट आई है तो वो हमें मिल जाए। नेक्स्ट, अब हमने ये कमांड रन करनी है और हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी में आ जाऊंगा, जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लारावेल सर्च करूंगा प्रोजेक्ट्स और ज़ायोंस में आ जाऊंगा। यहाँ से अब मैंने न्यूज़पेपर ऐप में आना है और ये वंस अगेन मैंने यहाँ पे एटलीस्ट इसका नाम लिखा हुआ है, मैं नाम कॉपी कर लूंगा और इसमें टर्मिनल को ओपन कर लूंगा। टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब हम ये कमांड रन करेंगे, ये नाम है उसका और इससे पहले ये कमांड आ जाएगी लारावेल न्यू। ओके, और इस कमांड को यहाँ पे मैं रन कर दूंगा। यहाँ से ये मुझसे पूछेगा ओके कोई स्टार्टर किट चाहिए। ये बेसिकली तब जरूरी होगी जब आप फ्रंट एंड भी लारावेल में कर रहे हो, क्योंकि हमने सिर्फ लारावेल में इसकी बैक एंड API लिखनी है, रेस्टफुल API, तो इसकी जरूरत नहीं है। नो स्टार्टर किट,
अब ये बेसिकली अगर आप टेस्टिंग, क्योंकि ये जरा हमारा शॉर्ट कोर्स है, इसमें हम टेस्टिंग ऐसा जितनी नहीं कर रहे होंगे या बिल्कुल ही नहीं कर रहे होंगे, बेसिक टेस्टिंग होगी जो एपीआई टेस्टिंग हम पोस्टमैन से कर लेंगे, तो पीएचपी यूनिट पे ही दूंगा मैं, और गिट रेपोजिटरी वंस अगेन जरूर सेटअप हम करेंगे, और ये बस इसको एक दफा इंस्टॉल कर लेगा। आप अगर पहली दफा इस कमांड को रन करेंगे तो इंस्टॉलेशन में काफी टाइम लगेगा मेरा, क्योंकि ये पहले काफी दफा रन हो चुकी है, इसलिए ऑलमोस्ट हर एक पैकेज पहले ही अवेलेबल था, उसने सारा कैशे से उठा के कंप्लीट कर दिया। डेटाबेस हम MySQL पे ही रखेंगे, अगर आप MariaDB, Postgres या किसी और के फैन हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं MySQL पे रहने दूंगा। और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इस प्रोजेक्ट में शिफ्ट करेंगे न्यूज़पेपर और उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। अब हमारी यहां से बात स्टार्ट होगी। ओके, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट, अब हम इस प्रोजेक्ट को एक दफा गो थ्रू करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अपनी पहली एपीआई लिखेंगे और उसको पोस्टमैन के साथ टेस्ट करेंगे। लाडावल का प्रोजेक्ट अगर तो आपने पहले काफी दफा देखा हुआ है तो ऐसे जिसमें अभी गो थ्रू करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कोई चीज नहीं ऐड की हुई, लेकिन मैं बेसिक सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अगर आप एक बिगनर हैं तो, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपनी फर्स्ट एपीआई बना रहे होंगे और उसको टेस्ट कर रहे होंगे पोस्टमैन के साथ, क्योंकि मेनली एपीआई टेस्टिंग हम पोस्टमैन के साथ करेंगे। हमारे पास सबसे पहले ऐप का फोल्डर है, जिसमें कि बेसिकली HTTP का फोल्डर है और कंट्रोलर का फोल्डर है। मेनली हम जो अपना लॉजिक, बेसिकली एपीआई का लॉजिक होगा, वो यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स बना के उसमें लिख रहे होंगे, और उसके लिए हम रिसोर्सेज बनाएंगे जो कि इसी फोल्डर में, HTTP के फोल्डर में रिसोर्सेज का फोल्डर बनेगा और उसमें आएंगे। और अगर हमें कहीं पे जरूरत होगी तो हम कुछ मिडलवेयर भी बनाएंगे जो कि मिडलवेयर के फोल्डर में आएंगे। उसके बाद जो हमारी डेटाबेसेस होंगे उनके मॉडल्स इन मॉडल के फोल्डर में आएंगे, और अगर हमें कभी जरूरत हुई तो हम कोई प्रोवाइडर लिखेंगे जो कि इस प्रोवाइडर्स के फोल्डर में आएंगे। मेनली ऐप फोल्डर में हम यही काम कर रहे होंगे, बाकियों में इतना छेड़खानी नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप फोल्डर में एज सच हमारे करने के लिए अभी कुछ नहीं है, ये ऐप को बूटस्ट्रैप करता है। कन्फिग के फोल्डर में हो सकता है हम कुछ कन्फिग कीज ऐड करें या उनको चेंज करें। डेटाबेस में हमारा मेन काम होगा, क्योंकि हम माइग्रेशंस को ऐड कर रहे होंगे, सीडर्स को ऐड कर रहे होंगे, इवन हो सकता है फैक्ट्रीज को भी ऐड करें ताकि फेक डाटा क्रिएट कर सकें। अदरवाइज हम सिर्फ माइग्रेशन को, मेनली माइग्रेशन हम जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी वो रिक्वायरमेंट है। हमने बेसिकली यूजर का जो टेबल है उसको अकॉर्डिंगली सेट करना है अपने अकॉर्डिंगली। माइग्रेशन अगर ऐड नहीं करेंगे तो उसको एटलीस्ट एडिट करें। पब्लिक का फोल्डर, इसमें सिर्फ बेसिक फाइल्स हैं जो कि ऐप की सर्विंग के लिए यूज होती है। रिसोर्स का फोल्डर तब बहुत जरूरी होता है जब आप फ्रंट एंड लारावेल की ऐप में रखें। हम क्योंकि इसमें फ्रंट एंड नहीं रखते होंगे, इसलिए हम इस फोल्डर को ज्यादा नहीं देखते होंगे। इसमें HTML, CSS और सॉरी ब्लेड टेम्पलेट्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट और CSS, हम इसको नहीं देखते होंगे। राउट्स, इसको हम बहुत खासे देखते होंगे, जिसमें हम वेब में एक जनरल बेसिकली वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट लगा देंगे अपने फ्रंट एंड पे, और API में बेसिकली हम यहाँ पे सारा काम कर रहे होंगे, APIs लिखने होंगे, और दैट्स मेनली इट। उसके अलावा क्योंकि हम फाइल अपलोडिंग या इस तरह का कोई काम इस ऐप में मैनेज नहीं कर रहे होंगे, तो इस वजह से स्टोरेज या दूसरी चीज़ों का भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ENV कीज, ये बेसिकली हमारा सिंपल सा एक ENV की का सेटअप है। उसके लिए आप सबसे पहले हमें इसकी डेटाबेस के सेटअप के लिए, यहाँ पे मैं क्रोम में आ जाऊंगा, और बेसिकली आप सिंपली मैक या विंडोज दोनों में सिंपली वैम्प को या जैम्प को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने लारावेल वॉलेट को किया हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस उसकी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अलहदा एक सर्वर नहीं चलाना चाह रहा। तो उसके लिए मैंने PHP माई एडमिन डॉट टेस्ट इसको सेटअप किया हुआ है। ये लिटरली बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने इवन मेरे पास ये भी है तो मैं इसको भी चला सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये डेटाबेस का सर्वर चाहिए, इस वजह से मैं सिर्फ इसे यूज कर रहा हूँ, और वॉलेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। रूट पासवर्ड उसके साथ एंटर कर लिया, और यहाँ पे अब मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा, लारावेल जायोन्स। बेसिकली कौन सा प्रोजेक्ट है, किस कैटेगरी का, लारावेल कैटेगरी का, किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जायोन्स के साथ, और अब प्रोजेक्ट का नाम न्यूज पेपर ऐप V1, ये हो गया। और इसको बेसिकली मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा नाम को, ये बाकी डिटेल सेम है, सही है। यहाँ पे आके इसको बेसिकली मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश सीड, ये बेसिकली मैंने एक शॉर्ट कमांड रखी हुई है, जो फुल कमांड है वो मैं लिख के दिखा देता हूँ एक दफा। PHP आर्टिजन माइग्रेट
डैश डैश सीड। फुल कमांड लिखते रहने का फायदा यह है कि वो भूलती नहीं है, लेकिन शॉर्टकट का फायदा यह है कि चलें ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो दोनों चीज़ें करते रहा करें ताकि भूलें ना। ये डेटाबेस वगैरह सेटअप हो गई है। ओके नेक्स्ट, अब हम एक इसमें एक छोटी सी बेसिक एपीआई बनाएंगे और उसको सिर्फ पोस्टमैन के साथ उसकी बेसिक टेस्टिंग करेंगे, मीन कॉल करेंगे, दैट्स इट। लारावेल में एपीएस बनाना बहुत ही सिंपल है। आप राउट्स के फोल्डर में आते हैं और एपीए डॉट पीएचपी के फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली ये क्या चीज़ है इसकी मैं अभी बाद में बात करूंगा। यहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे एक राउट चाहिए। किस कैटेगरी का राउट चाहिए? गेट का चाहिए, पोस्ट का चाहिए, पुट का चाहिए, जिस भी कैटेगरी, यहाँ पे ओवरऑल चाहिए यूज का आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे गेट का राउट चाहिए। ओके उसका पाथ क्या होगा? पाथ लेट से मैंने कह दिया टेस्ट API 1, ये इसका पाथ है। ओके वो करेगा क्या, उसका एक्शन क्या होगा? अब एक्शन यहां तो मैं यहां भी कह सकता हूं कि ये फंक्शन कॉल होगा, ये बेसिकली मैं कह सकता हूं। वो रिटर्न क्या करेगा? लेट्स से मैं कह देता हूं वो ओके रिटर्न करेगा और इसको क्लोज करना। ये अब एक एपीआई बन चुकी है सिर्फ इतने काम से। मैंने कहा ओके मुझे एक राउट चाहिए गेट का जिसका पाथ ये होगा और वो ये काम करेगा, दैट्स इट। ओके मैं पोस्टमैन को यहां पे चला लेता हूं, पोस्टमैन। ओके यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं। मेरी ऑटो कंप्लीट का थोड़ा सा काम खराब हुआ हुआ है। ये रहा पोस्टमैन और यहाँ पे पोस्टमैन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं एक इसकी कलेक्शन बना लूँगा इसी ऐप के नाम से, न्यूज़पेपर ऐप रिएक्ट जेएस एंड लारावेल कोर्स Zions YouTube। ये मैंने एक कलेक्शन बना ली और इसमें अब मैं एक फोल्डर बना लूंगा जो कि मैं उसको कह दूंगा टेस्ट APIs। इसमें मैं एक रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा जो कि होगा टेस्ट API 1, जो मैंने वहां पे नाम दिया था। अब ये है कि इसका पाथ, पूरा पाथ क्या है, जिनको तो पता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता, पाथ बड़ा ही सिंपल है। जब हम लारावेल की ऐप को रन करते हैं, जो कि मैं अभी करके दिखा देता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व, पूरी कमांड लिख के दिखा देता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व, ये कमांड है। इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये करेंगे तो ये चल जाएगा। इसका शॉर्टकट मैं यूज़ कर लेता हूँ PAS, और PA मीन PHP आर्टिजन मैंने इसको रखा हुआ। अब ये बेसिकली इसका पाथ है जो कि प्रोजेक्ट का पाथ है जिस पे प्रोजेक्ट सर्व। तो इसे मैं सबसे पहले इसके बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आऊँगा, एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करूँगा और इसको लेट से मैं कह देता हूँ न्यूज़ पेपर ऐप इन्वायरमेंट V1। ओके ये मैंने इसको नाम दे दिया और इसमें मैंने कह दिया बैकएंड URL, और सॉरी इसमें एंटर नहीं था करना है। ये इसका पाथ आ गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे आके मैं इनको यूज़ कर लूंगा और यहाँ पे ये नहीं आ रहा, उसकी वजह ये कि मैंने इन्वायरमेंट सेलेक्ट नहीं किया। मैं यहाँ से इन्वायरमेंट सेलेक्ट करूंगा। अब जब यहाँ पे आऊंगा तो ये बेसिकली मुझे ये बैकएंड URL दे रहा है और इस पर अगर होवर करेंगे तो उसका पाथ वगैरह भी दिखा देगा कि उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद अगर आप इसको ऐसे ही हिट कर देंगे तो आपके पास जो लारावेल की ऐप है वो रिटर्न हो जाएगी ऑब्वियसली HTML के साथ, और ये सेम वही ऐप है जो यहाँ पर रिटर्न हो रही है। इसको अगर आपने देखना हो, कन्फर्म करना हो कि यही ऐप है कि नहीं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप रिसोर्सेज में आए, व्यूज में आए, वेलकम में आए और यहाँ पे सारा कुछ डिलीट करके हेलो फ्रॉम जायोंस कर दें और रिफ्रेश करें, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आके सेंड करें और ये ले हेलो फॉर जायोंस, मीन कंफर्म हो गया कि यही है। ओके अब जो भी चीज़ हम यहाँ पे API.php में लिखते हैं ना, ये लारावेल का रूल है कि उसके साथ ऑटोमेटिकली वो /API ये लगा देता है। उसके बाद अब जो पाथ आपने लिखा हुआ था वो आएगा, ये आएगा ऐसे। ओके इसको सेंड करते हैं और आप देख सकते हैं ओके आ रहा है। मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, ओके फ्रॉम जायोंस कर देते हैं, सेंड करते हैं और ओके फ्रॉम जायोंस आ गया। यहाँ पे अगर ये अब HTML है, मतलब टेक्स है, HTML जो भी आप करना चाहें, आपको जेसन चाहिए, बड़ा ही सिंपल है। आप इसकी जगह रिस्पॉन्स सेंड करें
और रिस्पॉन्स कह रहे हैं कि जेसन फॉर्मेट का होना चाहिए और आप इसमें जो मर्जी जेसन डाटा दे रहे हैं। लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ जिसमें एक डाटा की है जिसमें के ये है, यहाँ पे सेंड करते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में डाटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं क्योंकि ये तरीका एटलीस्ट मुझे नहीं पसंद ऐसे डायरेक्ट फंक्शंस का, किसी वजह पे बेसिकली कोई स्पेसिफिक रीजन होगा वहां पे तो ठीक है, लेकिन हर एक काम के लिए ये काम करना अच्छा नहीं है। तो अच्छा काम क्या है कि आप कंट्रोलर सुनाएं, उसका तरीका कार क्या है, आप बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे PHP artisan make controller और अब सबसे पहले हम अपनी नेम स्पेस डिफाइन करेंगे Zions, Zions नेम स्पेस में करना। ओके चाहिए क्या, टेस्ट कंट्रोलर चाहिए मुझे, और ये कंट्रोलर किस टाइप का है, अगर आपने आगे नहीं करना तो ओके, अदरवाइज आप इसको कह दें कि ये API टाइप का है क्योंकि मेरा API टाइप का, इस वजह से मैंने लिख दिया। और ये कंट्रोलर क्रिएट हो गया, यहाँ पे आके देखेंगे ये Zions में टेस्ट कंट्रोलर API टाइप का मतलब क्या, सॉरी मतलब क्या होता है कि इसमें जो जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े कम होते हैं, मैं दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। मैं इस API को ख़त्म करता हूँ और इसको 2 कह देता हूँ, यहाँ पे ये देखें 2 क्रिएट हुआ है और 2 में अब यहाँ पे इसने कुछ इनिशिएट नहीं किया, जब मैंने उसको कहा कि ये API टाइप का था और यहाँ पे इसकी एक और टाइप होती है मॉडल, उसको ट्राई कर लेते हैं 3 मॉडल, लेट्स सी सॉरी नहीं जाने दो, ठीक है ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने API डिफाइन नहीं की कि ये API टाइप का कंट्रोलर, तो उसने उसको कुछ इनिशिएट नहीं किया, कुछ फंक्शंस नहीं लिखे मेरे लिए। जब मैंने उसको डिफाइन किया कि ये API टाइप का है, तो उसने जो डिफॉल्ट बेसिकली सेंस डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट था उसके अकॉर्डिंगली उसको इनिशिएट कर दिया कि ओके एक लिस्ट का फंक्शन चाहिए, एक स्टोर का क्रिएट करने के लिए, एक गेट का सिंपल शो करने के लिए, अपडेट का पुट करने के लिए और डिस्ट्रॉय का, ये सिंपल फंक्शंस हैं। अगर आप इनको यूज करना चाहें कर लें, अदरवाइज ना करें। यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे ये भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये टेस्ट कंट्रोलर है, तो यहाँ पे सारे फंक्शंस मैं खुद ही लिख रहा हूँ। और ये PHP 8 के बाद आया रिटर्न टाइप CTC enum, काफी कुछ आ गया जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज भी कर रहे होंगे, तो वो भी आपको समझ लग जाएगी। टेस्ट API 1 ये मैंने कंट्रोलर बनाया और रिटर्न टाइप, लेट्स से मैं इसका रिटर्न टाइप अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, रिटर्न मैं यहाँ से रिस्पॉन्स और जेसन डाटा ओके फ्रॉम Zions फ्रॉम कंट्रोलर, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। और अब इसको यूज करने का तरीका कार ये है कि आप यहां पर काफी तरीकाकार है, एक ये सिंपल तरीकाकार ये है कि टेस्ट कंट्रोलर लिखें, एट फंक्शन का नाम लिखते हैं कि कौन सा कंट्रोलर है और कौन सा फंक्शन है, और यहां पे आए सेंड करें और टेस्ट कंट्रोलर को पहले, अच्छा यहाँ पे हमारी ये API बन गई है, यहाँ पे हमारा ये कंट्रोलर फंक्शन डिफाइन हो गया। ये मैं स्पेसिंग इशू क्लियर कर दूंगा और अनयूज्ड इंपोर्ट को ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पे आके अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, यूज़ करने के 2 से 3 तरीके हैं। जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे कंट्रोलर को डिफाइन करें कि कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है और उसको एज अ क्लास और कौन सा उसका फंक्शन आप कॉल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं ये फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कॉल कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके ये अभी ओके फ्रॉम Zions है, मैं सेंड करूँगा, ये ओके फ्रॉम Zions फ्रॉम कंट्रोलर हो जाए। दूसरा जो इसका तरीकाकार है वो ज़्यादा यूजफुल तब होता है जब बेसिकली आपने एक ही कंट्रोलर पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली उसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस को कॉल करना हो, जो कि ऑब्वियसली ये टेस्ट कंट्रोलर के लिए भी वैलिड हो सकता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप राउट को गेट कहने के बजाय आप कहते हैं कि राउट में मुझे कंट्रोलर चाहिए, ओके कंट्रोलर कौन सा चाहिए वो डिफाइन आप कर देते हैं और उसके बाद आप उसको ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप में फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें आप राउट्स कॉल करते जाते हैं, उसमें आप इंडिविजुअल राउट बना देते हैं जो कि आप इसमें कंट्रोलर बताने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसको फंक्शन बता देते हैं कि ओके कौन सा फंक्शन कॉल करना है, दैट से इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये अपडेट हुआ भी है कि नहीं, 2 सेंड और 2 आ गया, ठीक है।
हम मोस्टली ये वाला पैटर्न यूज कर रहे होंगे कंट्रोलर वाला, क्योंकि ये जरा क्या लें नीट है, क्लीन है। इसमें हम एक दफा कंट्रोलर को डिफाइन कर देते हैं, रिपीटिव काम कम होते हैं, मतलब हमें अदरवाइज इस पैटर्न के साथ ये होगा कि हमें बार बार ये कंट्रोलर हर एक पाथ के साथ रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कह लें कि एक किस्म का, एक बहुत छोटे लेवल पे हमने ड्राई का कॉन्सेप्ट यूज किया है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ का। ओके, ये हो गया और ये हमारी यहाँ पे एपीआई कॉल भी होगी। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर लारावेल में जो हमें बेसिक पैकेजेस जरूर चाहिए, 2 से 3 पैकेजेस हैं जिनकी जरूरत है ऑथेंटिकेशन के लिए, एपीआई है मैनेजमेंट के लिए, ईटीसी, उनको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे अपने फ्रंट एंड पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी, और फिर फ्रंट एंड हम अपना क्रिएट करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पे इस कोड को एक तो थोड़ा क्लीन कर लेंगे। ये कमेंट्स मैंने आपको बताने के लिए यूज़ किया था और ऐसा इतना कोई खास नहीं है, तो इस वजह से हम सबसे पहले यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लूँगा, इसको ऐड कमिट कर लेंगे। सॉरी, क्रिएटेड। नेक्स्ट हमने जो दो पैकेजेस ऐड करने हैं वो हैं लारावेल टेलीस्कोप, ये एक चाहिए हमें, और दूसरा ये चाहिए हमें सेंटम। ये दो चाहिए हमें। इनको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ से इनकी कमांड कॉपी कर लूँगा, जो इंस्टॉल कमांड है, और साथ ही इसको भी कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ओके, ये इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, चलें यहाँ पे दोनों को साथ ही रन कर लेते हैं। ये पहले अलग-अलग पैकेज होता था, ये इन्होंने अब साथ इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद अब ये भी है। तो ये मैं कमांड्स को चेन करता जा रहा हूँ ताकि बेसिकली वो होता जाए। और ये इन्होंने डेव किया हुआ है, ये रिकमेंडेड वे है, क्योंकि बेसिकली हमें सिर्फ ये डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा डेव। उसके अलावा इंस्टॉल माइग्रेट, माइग्रेट भी एक दफ़ा रन कर देते हैं, और उसके अलावा इधर से कोई शोर मुझे चाहिए। ओके, इसको पब्लिश भी कर लेते हैं एटलीस्ट, और इसकी ये भी, ये बाद में ऐड कर लेते हैं अभी, और कुछ मैंने रन करना है। ये बेसिकली एपीआई मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, ये काफ़ी अच्छा टूल है, ये मैं आपको भी यूज़ करके दिखाता हूँ, ये बड़ा आसान करता है। ओके, इसको बाद में भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से कुछ चाहिए हमें। एक दफ़ा एक कमांड रन करेंगे, और जब तक मैं देख रहा हूँ तब तक ये कमांड रन हो जाएगी। ओके, ये कॉन्फ़िग, ओके, ये बेसिकली कोर्स के लिए है, इसको भी ले लेते हैं। ये मेनली बेसिकली जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एरर आता है उसको रिजोल्व करने के लिए, इसको पब्लिश करवा लेते हैं। पब्लिश करवाने में ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मेनली इसमें हम अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे, चेंज तभी करेंगे जब ज़रूरत होगी। ओके, ये क्या कह रहा है, देयर इज नो कमांड डिफाइन इन द इंस्टॉल नेम स्पेस। ओके, कोई मसले वाली बात नहीं, कहाँ तक बात हुई हमारी? मेरे ख्याल से हमारी जो बात हो गई है वो पब्लिश की हो गई है, एंड ओके, कोई नहीं, इसको एक दफ़ा दोबारा 1 by 1 रन कर लेते हैं। 1 by 1 रन करने का मसला, सॉरी, फ़ायदा ये है कि चलें कोई एरर आए तो समझ लग जाती है। उसके बाद ये एपीआई इंस्टॉल को देख लेते हैं, ये हो गया। ओके, नाउ ये कह रहा है कि ये नहीं है, डन है, हमने ये कमांड यहाँ से ली थी, तो इससे पूछ लेते हैं कि क्या मसला है। इसको कॉपी करते हैं, और इस एरर को सर्च कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये बेसिकली
इंस्टॉल में इशू कह रहा, इंस्टॉलेशन दिस एंड दैट। ठीक है, PHP artisan install command not found। बेसिकली उस चीज की बात नहीं करते जो अदर हमें आ रहा। ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। हम बेसिकली इसका इसका चलें फायदा ये है कि इस एरर को हम स्टडी अच्छे से कर लेंगे और होपफुली इसका सॉल्यूशन भी अभी हमें मिल जाएगा। ये पहले इस तरह ही होता था, ये इन्होंने अभी चेंज किया है इसको। खैर, ये फिलहाल पैकेज आप इस तरह इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये पहले यही डॉक्यूमेंटेशन में यही लिखा होता था। अब ये इन्होंने रिसेंटली इसको चेंज किया, इनकी अपनी मर्जी है। और अब वो इंस्टॉल वाली कमांड करते हैं, खैर अभी भी नहीं है इसके पास। खैर कोई नहीं, इसको अब डायरेक्ट पब्लिश कर देते हैं। दैट्स इट, पब्लिश हो गया और माइग्रेट कर देते हैं। दैट्स इट, नथिंग टू माइग्रेट। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आया। पब्लिक वेंडर, ये टेलीस्कोप है, इसको मैं अभी दिखाता हूँ। इधर ये है। ओके, यही चाहिए था। हमारे पास यहाँ पे API इंस्टॉल वाली है ही नहीं। ओके सॉरी, ये क्या था जी? ठीक है, ये हमारा हो गया। और बाकी बेसिकली जो चीज़ है वो मैं आपको ये हम वापस डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं और यहाँ से हम कंटिन्यू। हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, नेक्स्ट हम इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले टेलीस्कोप को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद इस पैकेज को कॉन्फ़िगर करेंगे और इनकी बेसिक जो है ना यूजेज उसको देखेंगे। टेलीस्कोप को API कॉल करके देखेंगे, ओके उसका क्या फ़ायदा है। और कम को एक दफ़ा ये सेंटम जो है इसको यूज़ करेंगे कि API पे जो ऑथेंटिकेशन है, बेसिक API पे बेसिक ऑथेंटिकेशन से लगा के देख लेंगे, ताकि हमें एटलीस्ट उसका आइडिया हो जाए। और उसके बाद फिर हम वापस अपने फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे। क्लोज करने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हमने ये चेंजेस किए हैं उनको हम कमिट कर लेंगे, ताकि वो हमारे सेव हो जाएं। हमने दो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, उन दोनों पैकेजेस को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टेलीस्कोप हमने पैकेज इंस्टॉल किया और ये पैकेज हमने सेंटम पैकेज इंस्टॉल्ड। ओके, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी बंदा आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में रिएक्ट या लार्वल सीखना चाहता है वो इस कोर्स से फायदा उठा सके। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.